आई नो मैं खेल नहीं रही थी, बट एक वही उत्साह, वही एक हौसले के साथ मैं टीवी पर बैठकर अपनी टीम को चीयर कर रही थी कि आई नो मैं किसी कारणवश नहीं खेल पाई, बट उतने ही उत्साह से मैं अपनी टीम को चीयर किया और इन द एंड रिज़ल्ट हमारे हक में रहा। और क्लोजली अगर मैं बात करूँ हमारे सेमीफाइनल जो हमारा मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो बहुत करीब ही रहा। और जिस आज हमने फाइनल मैच खेलना था, बट चलो अब ब्रॉन्ज कोई जो भी हमने पॉडियम फिनिश किया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। हाँ जी, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये हमारा सेकंड बिग अचीवमेंट है। और अगर हम बात करते हैं वुमेन हॉकी की, तो हम यहाँ से हमारी इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है और आगे हम एशियन गेम्स में और भी आशा करते हैं कि हम और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक मैं सेलेक्टेड थी टीम में और एक कोविड पॉजिटिव आने के बाद एक हमेशा दुख होता ही है। एक प्लेयर का सपना होता है कि बिग टूर्नामेंट में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, बट कोविड पॉजिटिव आने के बाद ऑफकोर्स बहुत दुख हुआ। और स्पेशली 4 साल की मेहनत थी, एक कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत हर 4 साल के बाद आता है। मेरा ये थर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स था, उसी उत्साह के साथ मैं ये खेलना चाहती थी, बट जो भगवान की इच्छा होती है वही हुआ अंत में। जो लास्ट का 1 मिनट था जब इंडिया जो है हमारी टीम जो है 1-0 से आगे थी, लेकिन एंड में जब न्यूजीलैंड ने गोल किया, तब उसके बाद क्या फीलिंग्स थी, क्या? हाँ जी, आजकल की हॉकी बहुत फास्ट हो गई है। हम 1-0 से अप थे, बट लास्ट सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर हुआ। ये गेम का पार्ट है और ऑफ कोर्स लगता है कि बहुत हम तो टीवी पर बैठ के देख रहे हैं, पर जो वहाँ खेल रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक टफ मोमेंट थी। बट इन द एंड शूट आउट में मुझे पता था कि हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, हमारे गोलकीपर सविता पुनिया बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने वैसे ही हमारी टीम ने उसी तरह ये बरकरार रखा और हमने जीत हासिल की। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये टीम एफर्ट में पेनल्टी कॉर्नर हुआ, ये गेम का पार्ट है। और ऑफ कोर्स लगता है कि बहुत हम तो टीवी पर बैठ के देख रहे हैं, पर जो वहाँ खेल रहे हैं उनके लिए भी बहुत एक टफ मोमेंट थी। बट इन द एंड शूट आउट में मुझे पता था कि हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, हमारे गोलकीपर सविता पुनिया बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने वैसे ही हमारी टीम ने उसी तरह ये बरकरार रखा और हमने जीत हासिल की। एफर्ट है, और मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी अपनी तरफ से बेस्ट करता है। और कई चांसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मैं होती मैं वो मिस कर सकती थी, या मेरी जगह कोई और था उसने वो गोल किया। तो ऐसा तो एक हॉकी में हमारे 60 मिनट में ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई गलती नहीं कर सकती या टीममेट कोई गलती नहीं कर सकता, तो ये कोई रिजल्ट नहीं था ऑफ कोर्स, पर मैं बहुत खुश थी अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। हाँ जी बिल्कुल, एक एक शूट आउट बहुत मायने रख रहा था, कि जैसे फर्स्ट गोल सोनिका ने किया, उसके बाद नवनीत ने किया, उसके बाद जो हमारे कैप्टन है सविता पुनिया, उन्होंने कंटिन्यू हर गोल बचाया, तो एक एक एफर्ट से हमने ये जीत हासिल की। तो मैं बहुत खुश हूँ हमारी सारी टीम की परफॉर्मेंस से।